यात्रा से 3 दिन पहले सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लागोर के तहत 6 घंटे से अधिक समय तक चली मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिरा। दहशतगर्दों के पास से 2 अमेरिकी M4 कार्बाइन और 1 AK सीरीज असॉल्ट राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया। मुठभेड़ में पुलिस के हेड कांस्टेबल फरीद अहमद भी घायल हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए GMC डोडा में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले की जानकारी ADGP जम्मू जोन आनंद जैन ने एक पत्रकार वार्ता कर दी। इलाके में हमें सूचना मिली थी इस इनके आतंकवादियों के होने के इस इलाके में, तो 12 जून के आसपास से हमने यहाँ पर सर्च अभियान चलाया था। सिक्योरिटी फोर्सेस और JK पुलिस जो है इस इलाके में सर्च कर रही थी, तो उसमें आप जैसे आपको सबको अवगत है ये बात कि 12 जून को हमारे एक एहलकार को इंजरी भी हुई थी उस गन फाइट में, और उसके बाद में इस एरिया में एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन सभी के दौरान लॉन्च किया गया था। आज सुबह जैसे ही सूचना मिली हमें कि आतंकवादी इस इलाके में छिपे हुए हैं, तो सुरक्षा बलों के साथ में JK पुलिस के साथ में एक सर्च ऑपरेशन हमने चलाया, और जैसे ही हमें घर की सूचना मिली तो उस जगह को हमने कॉर्डन किया, और कॉर्डन करने के बाद जब एनकाउंटर चालू हुआ उसके बाद 3 आतंकवादी इसमें मारे गए हैं, और उनसे काफी भारी तादाद में असला और एम्यूनिशन वगैरह मिला है। और अभी इस केस की जांच अभी आगे और चलेगी। अभी अभी इस इलाके में सर्च अभियान जो है वो जारी है, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है इसके दौरान हम चाहेंगे पता करना कि किन किन लोगों ने इनकी मदद की है, और इनकी इस इन्वेस्टिगेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। ग्रुप इसमें 3 से 4 ग्रुप प्रेजेंट हैं जो कि इस इलाके में मौजूद हैं और इस इलाके में अभी एक्टिव हैं, जो कि हाल का नया इन्फिल्ट्रेशन जो भी हाल में हुआ है। इसके अलावा जैसे 2-3 ग्रुप वहां मौजूद हैं, तो कुल मिला के हम 6-7 ग्रुप के बीच में हम कहेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस इलाके में काफी लोग दहशत में थे, क्योंकि इस इलाके में कोई टेररिस्ट का प्रेजेंस नहीं था, और इनके आने के बाद और ये कामयाबी के बाद लगता है कि मुझे लोगों को भी राहत की सांस मिली। तो हम इस इलाके की सुरक्षा है जो, उसके लिए हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से काम कर सकते हैं, जिसमें कि BDG भी है, इसमें पुलिस पिकेट्स भी हैं, इसमें पुलिस प्रेजेंस भी है, और सभी चीजों को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखा जाए। इनसे M4 मिली है, 2 M4 मिली है, और 1 AK-47 मिली है, बाकी जो ग्रेनेड्स मिले हैं और बाकी जो बाकी रोजमर्रा की चीजें वो मिली। हम ये भी कहना चाहेंगे कि बेसिकली लोग हमारी मदद करें इसमें, कि ये बताएं कि किन लोगों